दाव गेटिंग संगेवे पीपल आई एम एलियास एंड यू आर वाचिंग थीटास ऑफ यूएटी व्लॉग्स सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नेट जो के नस्ट uh, का एडमिशन टेस्ट होता है आफ्टर एफएससी नस्ट एक टेस्ट uh, ऑर्गेनाइज कराती है तीन सेशंस के अंदर व्हिच इज एनएटी 1 एनएटी टू एंड एनएटी 3 ठीक है एक साल में तीन दफा ये टेस्ट लिया जाता है जो भी हाई स्कोर करता है आउट ऑफ टू हंड्रेड दो सौ का टेस्ट होता है जो भी हाई स्कोर इसमें करता है डिपेंडिंग uh अपॉन -huh. के उसने कौन सा डिसिप्लिन में अप्लाई किया है उसका एक मेरिट बनता है अगर वो मेरिट के ऊपर आ जाए तो उसका एडमिशन हो जाता है नेस्ट के ऊपर एंड दिस वीडियो विल बी अबाउट द इंस्ट्रक्शंस फॉर एन टेस्ट ठीक है प्रेपरेशन के बारे में गाइड नहीं करूंगा प्रिपरेशन की ऑलरेडी बहुत से वीडियोस इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने अटैम्प्ट कैसे करना है पेपर नर्स में एंटर होने से नर्स में जो एग्जाम हॉल है जहाँ पे आपका एनजी टेस्ट होना है वहाँ पे बैठने तक और बैठने के बाद जो लॉग इन सारा प्रोसीजर होता है वहाँ तक कोशिश करूंगा कि आपको गाइड करूँ ताकि उस दिन आपको अगर गलती से अगर आप लेट आते हैं और दो की वाली इंस्ट्रक्शन वहाँ भी बताई जाएंगे आपको जब आप टेस्ट में लेकिन अगर आप अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे लेट आते हैं तो अगर वो आपसे मिस भी हो जाए तो भी आपको सारा प्रोसीजर पता होगा आपने टेस्ट अटैम कैसे करना है आपने अटेंडेंस कैसे लगानी है शीट्स कब मिलेंगी कैसे मिलेंगी आ, बाकी वहाँ पे माहौल कैसा होगा और कैसे टेस्ट लिया जाएगा इस चीज़ के ऊपर मैं आपको गाइड करूँगा ठीक है ओके सो बिफोर डिगिंग डीपर इन टू दिस चंद बातें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं वो ये कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप टाइमली आ जाएं ठीक है जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर टाइम लिखा होगा उससे भी बल्कि थोड़ा सा पहले नस्ट में एंटर हो जाएं ठीक है ताकि आप किसी भी आ, कोई भी इंस्ट्रक्शन ऑन द टेस्ट डे मिस ना करें क्योंकि अगर आप लेट इंटर होते हैं तो ऑब्वियसली आपका माइंड फ्रेश नहीं होता आप अजीब टेंशन में होते हैं और फिर टेंशन में आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो आपके जो मार्क्स आने होते हैं जो आपको क्वेश्चन आते होते हैं वो भी सही नहीं आते तो आप कोशिश करें कि टाइम नहीं आए और सेकेंड चीज़ कि आपको पता है कि जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है तो मैक्सिमम कोशिश करें आते वक्त कि आपको कंप्यूटर की बेसिक्स पता हो क्योंकि इन्विजिलेटर देयर काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को आजकल तो खैर मैक्सिमम कंप्यूटर इस्तेमाल करने आता ही होता है लेकिन uh, काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट्स को कंप्यूटर इस्तेमाल करना भी नहीं आता तो कोशिश करें कि माउस कैसे इस्तेमाल करना है कीबोर्ड कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आपको लॉगिन प्रोसीजर में और अटैम्प्ट uh, में कोई इशू ना हो ठीक है बाकी अभी हम चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ जहाँ पे आ, मैं आपको टेस्ट अटैम्प्ट कैसे करना है टेस्ट आता किस तरह है आपने राइट आंसर किस तरह लगाने हैं आपने रिव्यू में किस तरह आंसर भेजने हैं आप किस तरह बेसिकली अटैम्प्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है okay, ओके तो जैसे ही आप टेस्ट देने नस्ट एंटर होंगे तो आपसे आपकी जितने भी पोजिशन हैं जो कि टेस्ट के लिए अलाउड नहीं है वो आपसे ले ली जाएंगी ठीक है तो बेहतर यह है कि आप वो पहले ही घर छोड़ के आए और उसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंटर होंगे रिसेप्शन के ऊपर तो आपको एक सीट नंबर दिया जाएगा ठीक है और वो सीट नंबर आपको आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिख के दिया जाएगा एडमिट कार्ड अपने साथ लेके आएंगे जो कि एडमिशन नर्स एडमिशन पोर्टल के ऊपर ही जनरेट होता है ठीक है उसके ऊपर वो नंबर uh, लॉट करेंगे सीट नंबर और वो मार्कर से एडमिट कार्ड के ऊपर लिख देंगे ठीक है मैं स्लो स्लो आपको बताऊंगा उसके बाद आप थोड़ा सा बाहर एग्ज़ाम हॉल के वेट करेंगे और फिर एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंटर होंगे और एग्ज़ाम हॉल कुछ इस तरह का होगा ठीक है ये नस्ट की ही वेबसाइट की पिक्चर है ठीक है अच्छा खैर आप जब अंदर एंटर होंगे ना तो अभी देख रहे हैं रॉज हैं ये होती हैं टोटल थर्टीन रॉज ठीक है अब हर थर, अब थर्टीन हैं अब ऑबली हर सीट हर डेस्क का एक नंबर होता है जो कि सीट नंबर होता है जहाँ पे आपने जाके बैठना होता है और यहाँ पे ना हर रॉ के फर्स्ट डेस्क के ऊपर नंबर लिखा होता है कि ये सीट नंबर कहाँ से कहाँ तक है फॉर एग्जांपल ये यहाँ से शुरू हो रही थी इस तरफ से मतलब कि अगर इसी पिक्चर के हिसाब से देखा जाए तो लेफ्ट मोस्ट से नंबरिंग स्टार्ट होती है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इस तरह एंड देन आगे बाकी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे टोटल फोर नाइन्टी नाइन सीट्स यहाँ के यहाँ पर पड़ी हुई हैं और लास्ट रो नंबर थर्टीन होती है वो ये है ठीक है तो लेट्स से अगर फर्स्ट वाली जो रो है वो वन से थर्टी फोर तक जा रही है तो डेस्क के स्टार्ट के ऊपर ना फर्स्ट वाली रो के स्टार्ट के डेस्क के ऊपर मैंशनड होगा कि ये सीट्स कहाँ से कहाँ तक जाती हैं ठीक है वो उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया होगा फर्स्ट के ऊपर लिखा होगा वन से थर्टी फाइव उससे अगली रॉ के ऊपर लिखा होगा थर्टी फाइव से सेवेंटी फाइव उससे अगली रो के लिखा होगा थर्टी सिक्स से सेवेंटी फाइव सॉरी इस तरह जो भी मतलब समझ आ रही होगी आपके एंड देन थर्ड के ऊपर लिखा होगा सेवेंटी सिक्स से ऑनवर्ड वन तक एंड देन वन फोर्टीन से वन नाइन्टी फाइव तक वन नाइन्टी वन तक एंड वन नाइन्टी वन से वन नाइन्टी टू से ऑनवर्ड ठीक है इस तरह तो आपने जो आपको नंबर अलॉट किया जाएगा ना ठीक है वो आपने देखना है कौन सा फसल नंबर नंबर आपका नाइन्टी सेवन है तो ऑब्वियसली आप चेक करेंगे नाइन्टी सेवन किस रॉ के अंदर आ रहा है और किस रॉ के अंदर आ रहा है वो यहाँ पे डिस्प्लेड होगा अब नाइन्टी सेवन सेवनटी फाइव से लेट से वन फोर्टीन वाली रॉ के अंदर ही आएगा ना सेवनटी फाइव से लेकर वन फोर्टी इस रॉ में अगर बच्चे बैठे हैं तो आपका नाइन्टी सिक्स है तो आपने इस रॉ में आ जाना है ठीक है इस रॉ में आके आपने अपनी सीट के ऊपर बैठ जाना है अब मे आई थिंक ये वाली बात मैंने क्लियर कर दी है तो एडमिट कार्ड के ऊपर एक नंबर होगा आपने एग्जाम हॉल में आना है और अपनी सीट के ऊपर जाके फिलहाल बैठ जाना है अब जो सीट होगी आपकी वो इस तरह की होगी एक चेयर और फिर डेस्क और डेस्क के अंदर आपको एक कंप्यूटर का सेटअप होगा कीबोर्ड माउस और साथ डेस्कटॉप जिसके ऊपर आप टेस्ट देंगे ठीक है अच्छा अब मैंने जिस तरह पहले कहा है कि आपको कंप्यूटर बेसिक्स पता होनी चाहिए आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना एटलीस्ट आता हो आप जहाँ से भी आ रहे हैं ताकि आप एटलीस्ट मतलब ये तो आपका इशू ना होना कि आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता तो इसकी वजह से दो कि वहाँ पर भी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं अगर वो अच्छे हैं काफ़ी कॉपरेटर होते हैं वो आप कॉप्रटिव होते हैं वो आपको गाइड कर देंगे लेकिन बेहतर यह है कि आप थोड़ा मोट थोड़ा सा कोर्स अपने अपने आपके पास अगर नहीं है कंप्यूटर तो आपके किसी कज़न के पास है एक दो दिन जाके उसके साथ ट्रेनिंग ले लें कंप्यूटर अच्छा ये होगा अब आप जाके बैठ जाएंगे सारी अनाउंसमेंट वगैरह होगी कि आपने लॉगिन कैसे करना है क्या करना है ठीक है वो मैं अभी फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ वो बहुत ही आसान होती है सामने लिखा होता है आपने ओके करना होता है एंड एंड इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करना होता है इंस्ट्रक्शंस पढ़नी होती हैं फिर चेक बॉक्स अपीयर होता है उसको क्लिक करके और फिर डेमो का ऑप्शन होता है वहाँ पे डेमो पे चले जाए अब जब डेमो पे जाएंगे तो डेमो आपका कुछ होगा इस तरह का ठीक है आप ये तो लॉग इन प्रोसीजर तो अलग है अब डेमो की बात करते हैं तो इसको मैं थोड़ा विजिबल करता हूँ दो कि ये एक ये भी साइट के ऊपर आप जाएंगे ना यू जी एडमिशन डॉट नास्ट डॉट डी यू डॉट पी के तो उसके ऊपर ये डेमो टेस्ट भी उन्होंने दिया हुआ ताकि बच्चा एटलीस्ट प्रिपेयर पे हो आए कि किस तरह का पैटर्न होता है अगर आप देखें ना यहाँ पे आपकी पिक्चर आ रही होगी जो आपने अपलोड की होगी अप्लाई करते हुए यहाँ पर आपका ये बात इंपॉर्टेंट है ठीक है कि इस जगह के ऊपर आपका नाम और साथ ही आपका लॉग इन आई डी यहाँ पर शो हो रही होती है तो ये आपने ध्यान रखना कि यहाँ पर आपकी लॉग इन आई डी है अगर आपसे एडमिट कार्ड ले भी दिया जाता है जो कि मैं आपको बताता हूँ देर तो बाद आप आपसे ले लिया जाएगा तो आप यहाँ से भी लॉग इन आई डी अपनी देख सकते हैं पासवर्ड इंपॉर्टेंट होता है पासवर्ड कहीं नहीं लिखा होता तो पासवर्ड आपने अपने पास नोटेड रखना होता है वह मैं आपको बताता हूँ कैसे अच्छा आ, वैसे मुझे इससे पहले इंस्ट्रक्शन बतानी थी लेकिन अब चले मैं यहीं पर ही आ गया तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ चीज़ एक कुछ बटन्स हैं यहाँ पे मैक्सिमाइज का बटन होता है एक अगर आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है ना नजर नहीं आ रहा विजिबल नहीं है ऑप्शंस पूरे नहीं है यहाँ पे डायग्राम बनी है डायग्राम आपको नजर नहीं आ रहा तो ये वाला बटन आपने दबाना होता है ताकि आपको वो विजिबल हो जाए स्क्रीन वाइड हो जाएगी और जो आपका बच्चा कुछ पोर्शन होता है क्वेश्चन है ना वह नज़र आ जाएगा ठीक है इस जगह के ऊपर टोल क्वेश्चन शो हो रहे होते हैं आप किस क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन अभी रहे हैं वो शो हो रहे हैं और इस जगह के ऊपर यहाँ से आगे यहाँ पे एक और टेक्स्ट uh, होता है जहाँ पे लिखा होता है कि आपने अटैम्प्ट कितने कर लिए हैं आउट ऑफ टू हंड्रेड ठीक है अटम्पटेड भी यहाँ पे शो हो रहे होते हैं ठीक है एंड देन आप अटैम्प्ट करेंगे और हर पे आपने सेव करना नहीं भूलना आपने ऐसे किया देन आपने सेव किया और फिर आपने नेक्स्ट क्लिक करना है ठीक है फिर आपने एक अटैम्प्ट किया फिर आपने सेव किया एंड फिर आपने नेक्स्ट क्लिक करना है सेव जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं होगा तो आपने शेयर, कर, शेयर जरूर कर सेव जरूर करना अगर आप कोई स्किप कर देते हैं रेड से ऐसे ही आगे चले जाते हैं तो ठीक है उसके लिए इस जगह के ऊपर अगर आप देखें ना यहाँ पे इधर खाली जगह इस जगह के ऊपर एक ऑप्शन होता है जिससे आप क्लिक करेंगे ना तो आप देख सकते हैं आपने अनअटेम्प्टेड कौन से हैं आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है जिसको आप इस तरह करके क्लिक करेंगे तो चार पोर्शन चार उसके ऊपर ऑप्शन होंगे पहले में लिखा होगा कि ऑल ऑल क्लिक करेंगे तो सारे क्वेश्चन विजिबल होंगे इस तरह नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए दूसरा अन्प्टेड करेंगे तो अगर आप सेलेक्ट करेंगे ना तो खाली अनअटेम्प्टेड अटैम्प्टड वाले आप आ, को क्वेश्चन यहाँ पे शो शुर होना शुरू हो जाएंगे फिर आप वो अटैम्प्ट करेंगे ठीक है अगर आप रिव्यूड करेंगे रिव्यू में आपको बताता हूँ तो रिव्यू तो ये वहाँ पर एक और चेकबॉक्स होता है जो कि आपको एक और ड्रॉप बॉक्स ड्रॉप मैन्यू होता है जो आपको बताओ आप बताओ अगर आप किसी क्वेश्चन पर श्योर नहीं है ना कि यार इसका ऑप्शन ये नहीं है और है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को रिव्यू में डाल सकते हैं जैसे ये करेंगे ना सेव करें और रिव्यू में डाल लें ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो इसमें भी मैंने आपको कहा यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है जहाँ पे रिव्यू एबल या रिव्यूड क्वेश्चंस का भी एक सेक्शन होता है जब आप उसे करेंगे तो जितने भी सेक्शंस को आपने क्वेश्चंस को आपने रिव्यू किया होगा आपको वो सॉव हो जाएंगे ये करने का फ़ायदा ही होता है एंड पे अगर आपके पास टाइम नहीं बचता तो जो आप अपना बेस्ट ऑप्शन जो आप लगाया होगा वो आपका चेक हो जाएगा अगर आप स्किप करेंगे क्वेश्चन और एंड पे टाइम नहीं बचता तो उसमें तो आपकी मार्किंग बिल्कुल नहीं होती तो बेहतर ये होता है कि आप अनअटेम्प्टेड ना अटैम्प्ट करने के बजाय आप उसे कोई एक बेस्ट ऑप्शन क्लिक करें और फिर आप उसे रिव्यू में डाल दें ठीक है सेव करके रिव्यू में तो इसका उसके चले अगर आप के पास एंड पे टाइम नहीं होता तो जो आपने ऑप्शन लगाया होगा एटलीस्ट अगर आपका तुक्का लग गया तो वो आपका राइट आंसर प्रसयर होगा अगर आप खाली स्किप कर देते हैं लाइक दिस ऐसे ही मैं नेक्स्ट कर देता हूँ तो, तो आपने अटैम्प्ट ही नहीं किया ना तो इसलिए वो आपका काउंट नहीं होगा आप मार्क्स लूज कर देंगे तो आई विल सजेस्ट कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसका एक यही फायदा होता है कि आप एटलीस्ट सब अटैम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन ठीक है और ये जनरल ये नीचे टाइमर है अगर टाइमर चल रहा है तो वेल एंड गुड टाइमर नहीं भी चल रहा तो नीचे देखें क्योंकि डेस्कटॉप ही होता है तो डेस्कटॉप पे पर यहाँ पर टाइम चल रहा होता है तो टाइम आप इसके अलावा सामने घड़ी भी लगी हुई होती है तो आप घड़ी में भी साथ साथ में टाइम नोट डाउन करते रहें अगर आपका सुबह वाला सेशन है तो नौ से बारह एंड होगा शाम वाला तो एग्ज़ दो से पाँच होता है तो होता। तीन घंटे का टेस्ट होता है एंड टू हंड्रेड एम्स ही यूज़ होते हैं इसके अंदर ठीक है यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन में जा सकते हैं आप इसको करेंगे तो अगर आप बायो वाले से हैं तो फिजिक्स पे चले जाएंगे फिजिक्स वाले से तो आप इंग्लिश में चले जाएंगे इंग्लिश वाले से तो आप इंटेलिजेंस क्वेश्चन पे चले जाएंगे या आप सेक्शन कोई भी अटैम्प्ट करना चाहते हैं अटैम्प्ट कर सकते हैं लेकिन अच्छी बात यह होती है कि आप इतने प्रिपेयर्ड हों कि आप कोई भी सेक्शन वहाँ पर अटैम्प्ट कर सकें सेक्शन आगे पीछे करने में ना तो आप का एंड पे आ, याद नहीं रहता कि आपने कौन सा क्वेश्चन रिव्यू में डाला था किस सेक्शन के अन अटैम्प्ट आट, आट, जो दो के आप यहाँ से अन अटैम्प्ट एंड पे जाकर अटैम्प्ट कर सकते हैं लेकिन एक अजीब सी टेंशन ही ना वो तो कोशिश क्या करें कि एक तरतीब से जिस तरतीब से है इतना आप प्रिपेयर हो इस तरह करें तो उससे टाइम मैनेजमेंट ज़रा आसान हो जाती है बाकी कुछ लोग प्रिपेयर करके आए हुए होते हैं टाइम मैनेजमेंट किस तरह उन्होंने करनी है कि पहले मैथ्स का करना है तो ठीक है फिर आप प्रिपेयर हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे नेक्स्ट सेक्शन करते करते पहले मैथ्स में चले जाएँ वो करें फिर उसके बाद आपको लगता है कि मिस्ट्री करना है इंग्लिश करना है तो आप इस तरह करके कर सकते हैं ठीक है तो ये तो थी ये अबाउट द टेस्ट के अपने टेस्ट अटैम्प्ट करने के इसके बाद इसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शन हैं वो मैं आपको बताता हूँ अच्छा अब जनरल इंस्ट्रक्शन आप जैसे ही जाके बैठते हैं ना मतलब साढ़े आठ बजे आप अंदर एंटर हो जाएंगे अगर आप टाइम पे आए हैं और बैठ जाएंगे तो आप डेस्क के ऊपर जैसे ही बैठते हैं तो डेस्क के ऊपर ये नोटिस शो होगा आपको ठीक है एक कार्ड है जिस पे ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हैं वो क्या है मेक श्योर टू मेक श्योर दैट यू आर सीटेड एट राइट सीट एज एलोकेटेड बाय द एग्जाम टीम मैंने आपको कहा कि एक नंबर आपको कॉल होगा आप उसी पे बैठे हैं बैठना चाहिए आपको इफ़ यू आर इन पोजेशन ऑफ एनी फॉरबिडन आइटम्स ऑब्वियसली चीटिंग कोई नहीं आपको करने देगा अगर आप लेके भी आएंगे क्योंकि अच्छी खासी नफरी होती है वहाँ पे भारी नफरी तो वो आपको नहीं करने देगी तो आप अगर आपके पास से कुछ निकला है तो आपका टेस्ट कैंसिल हो जाएगा ड्यूरिंग एग्जाम नॉट टॉक ऑब्वियस पाता है इतना तो सीख के ही आता है बच्चा तक टू नॉट मैनिपुलेट माउस और अगर आपको कहा नहीं जाता तब तक आप टच ना करें माउस को और की बोर्ड को इन केस यू हैव क्यूरी इमीजिएटली आज तरस इंजिलेटर मैंने आपको पहले भी कहा है नर्स का स्टाफ बहुत ही और इन्विटर बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं आपको अगर किसी चीज़ के मसला है भी आप उससे फौन पूछ सकते हैं वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा ठीक है अगर कोई कंप्यूटर में इशू आता भी है तो आपने टेंशन नहीं लेनी वस्ट का इशू है नष्ट उसे रिजॉल्व करेगी अगर पंद्रह मिनट एक्स्ट्रा भी अगर मिलने चाहिए तो आपको मिल जाएंगे अगर आपका इशू चाहिए इनकेसन इन केस क्लोज ब्राउजर तो ये इंपॉर्टेंट है अगर आप वाशरूम चले जाते हैं दरमियान में जो कि अलाउड है ठीक है वाशरूम जा सकते हैं आप तो पंद्रह मिनट अगर आपका आइडल पड़ा है ना कंप्यूटर तो वो खुद ब खुद जो अकाउंट होता है वो लॉक हो जाएगा आपका और फिर वो इिट्रीवेबल होगा तो मेक श्योर sure कि अगर आप बाहर जाते हैं तो पाँच छः मिनट से ज़्यादा लगा के ना आए ठीक है एग्जाम सेशन विल कंक्लूड एट स्केजल टाइम एंड नो एक्स्ट्रा टाइम ऑब्वियस एक्स्ट्रा टाइम अन टेस कोई बहुत ही वैलिड रीज़न के आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो फिर आप मे बी क्योंकि वो तो नस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसका विल बी टेकन केयर ऑफ लेकिन कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा तीन घंटे के बाद अगर आपने सेव नहीं भी किया क्वेश्चन अपना जो आप अटैम्प्ट कर रहे थे पेपर अगर आपने सबमिट नहीं भी किया तो ऑटोमेटिकली जितने आपने क्वेश्चन किए होंगे वो मार्क सबमिट होकर मार्क हो जाएंगे सबमिट योर टेस्ट आफ्टर केयरफुल रिव्यू ड्यूरिंग दिन एंड द टेस्ट विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली आफ्ट और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा ये वो इंस्ट्रक्शन जो आपको वहाँ पर बैठे हुए डेस्क के ऊपर आप देख रहे हैं डेस्क है माउस की बोर्ड आपको नज़र भी आ रहा है ये वो इंस्ट्रक्शन अच्छा उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आपको रफ़ शीट्स दी जाएंगी रफ़ वर्क के लिए ठीक है अगर आप मैच करें तो ओबली आपको अटैम्प्ट तो करना पड़ेगा ना क्वेश्चन उस अटैम्प्ट करने के लिए आपको कोई कैलकुलेशन के उसके रफ़ शीट देते हैं ये सेट ऑफ टू शीट्स होते हैं ये दो शीट्स टप्पल हुई भी होती हैं आपने हर हालत में हर शीट के ऊपर जितनी भी आपको शीटें लें उसमें आपने लॉग इन आई और पासवर्ड लिखना होता है ठीक है ये मैं बताता हूँ क्यों लिखना होता है उसके बाद मैं चलता हूँ आपसे ना अच्छा उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको कैंडिडेट अटेंडेंस आपने अपनी अटेंडेंस लगानी है अटेंडेंस में आप देख ले ध्यान से ये लॉगिन आई है ठीक है अब मिस्टेक क्या करते हैं यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे फादर नाम लिख देते हैं क्योंकि लोगों की आदत बनी होती है कुछ स्कूल्स के अंदर के फादर नेम या रोल नंबर ऐसा करके ये आपका लॉग इन आई है जो कि एक नंबर होगा वो लिखना है यहाँ पे आपने लॉग इन आई ठीक है जो एडमिट कार्ड के ऊपर होगी यहाँ पर आपने नाम लिखना है और यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है ये आपकी अटेंडेंस होगी ठीक है जैसे ही आपकी अटेंडेंस होगी उसके बाद आपसे आपका एडमिट कार्ड ले लिया जाएगा जिस एडमिट कार्ड के ऊपर आपका लॉग इन और पासवर्ड है ठीक है इसलिए इसलिए जब आपको ये शीट मिले तो आपने लॉग इन और पासवर्ड लिख लेना है इसके ऊपर क्योंकि अगर दरम्यान में कंप्यूटर बंद होता है तो दोबारा से कंप्यूटर ऑन करके और लॉग इन करने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए ठीक है लाइट चली जाती है कुछ वैसे तो होता है, नहीं है इस तरह का कोई इशू लेकिन अगर कुछ होता है कोई वायर में इशू होता है वायरिंग में इशू कुछ भी होता है तो आपके पास एटलीस्ट अपना आई पासवर्ड हो ठीक है तो आपने लॉग इन और लॉग पासवर्ड आपने इस रफ शीट के ऊपर लिख लेना है और ये रफ शीट आपसे अगर आपने नई यूज़ करनी होती है तो आपसे पुरानी रफ शीट वापस ले ली जाती है ठीक है तो जैसे ही आप नई रफ शीट लेंगे तो आपने सबसे पहले उस पर भी अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड लिखना है तब आपने पुरानी ले देनी है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ओके okay, तो इस पर आप अपना रफ वर्क करेंगे और कोशिश किया करें कि ये आपसे पुराना जो रफ शीट है वो ले ली जाएगी ना तो कोई फार्मूलाज जो होते हैं या अगर एक पर्टिकुलर सेशन आप कर रहे हैं सेक्शन आप कर रहे हैं ना तो उसकी फार्मूला एक कंप्यूटर केमिस्ट्री का के अगर आप कर रहे हैं तो अपने हैंड और कुछ स्ट्रिक्स यहाँ पर लिखनी होती है ना तो कोशिश करें कि जब आप कंप्यूटर केमिस्ट्री का पोर्शन कर रहे हैं वो आप कर लें कभी कभी ऐसा होता है कि पंद्रह क्वेश्चन आपने अटैप किए होते हैं और आपकी रफ़ शीट खत्म हो जाती है आप नई रफ शीट लेते हैं तो पुरानी आपसे ले दी जाती है तो आपको दोबारा फार्मूलाज लिखने पड़ते हैं नए के ऊपर तो टाइम आपको जें होता है तो अगर आप कोशिश करें कि एक रफ़ शीट इस्तेमाल करें एक सेक्शन के लिए फिर बेशक दूसरी रफ शीट में है कि आपके फार्मूलाज दोबारा लिख लेना पड़े ठीक है तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टिप्स एंड ट्रैक्स एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द नर्स्ट एडमिशन टेस्ट होप्स तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हो गई होंगी बाकी अगर आपका हो जाता है तो ओबली पाकिस्तान नंबर वन यूनिवर्सिटी अगर आपका नहीं भी होता तो ये बात आप याद रखा करें कि गॉड हैज़ इट्स हिज ऑन प्लान और वो अल्लाह के प्लान जो होते हैं इंसान के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होता है और हजरतम का कॉल है कि रिस्क आपको नहीं आप रिस्क के पीछे नहीं रिस्क आपके पीछे भाग रहा होता है जो कि अल्लाह ने लिख दिया हुआ है तो टेंशन नहीं लेनी घबराना नहीं है अल्लाह पे भरोसा रखना है अपने लिए आप नसीब की दुआएं मांगते रहना है और एवरी थिंग विल बी गुड मिलते हैं आपसे किसी अगले ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह के हवाले